सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। ये जो आपको ग्रैनी दिख रही है वो असल में हमारे रेड क्रिमिनल के ग्रैनी की चचेरी बहन है। तो गेम में असल में ये है कि इसने हमको कर लिया है किडनैप, और बदले में ये हमारे घर वालों से मांग रही है बिमल। और आपको तो पता ही है, अगर ग्रैनी को बिमल मिल जाएगी तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो अब हमें किसी भी हाल में ग्रैनी को बिमल नहीं मिलने देनी है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि ग्रैनी के घर से भाग जाना होगा, वरना अगर हमारे घर वालों ने ग्रैनी को बिमल दे दी तो मुसीबत आ जाएगी। तो चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ से एस्केप कर पाते हैं कि नहीं। अरे वाह, यहाँ तो ऑप्शन भी है, हम ग्रैनी के साथ उसके बुढ़ऊ हस्बैंड ग्रैंडपा को भी गेम में ले सकते हैं। अरे वाह गाइस, हमने तो दो बिछड़े आशिकों को एक कर दिया। और सुनिए ग्रैनी जी, बदले में यार मुझे ये ज्यादा डंडे मत मारना, तुम दोनों जाओ रोमांस करो। और हमें यहाँ पर कुछ टिप्स भी दी गई है। बी क्वाइट ग्रैनी, हियर्स एवरीथिंग ओके, ग्रैंडपा डजंट हियर्स वेरी वेल बट ही हिट्स हार्ड। अरे भाई ये क्या बात हुई, साला सुन नहीं सकता है पर मारता जोर का है। चलो अब अगली टिप देख लेते हैं। होल्ड एफ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम बियर ट्रैप्स। छोड़ो यार इसे, हमें टिप्स की क्या जरूरत, हम तो पहले से ही प्रो है। ओए मैं तो पापा हूँ पापा। वैसे गाइज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। गाइज ये वो रूम है जिसमें ग्रैनी ने हमें बंदी बना के रखा हुआ है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वैसे काफी डरावना रूम है, सामने दरवाजा है, लगता है यहीं से बाहर जाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे खुलता है ये दरवाजा। अच्छा ई दबाना है, मतलब कि ई से सारे दरवाजे खुलते हैं। और यहाँ पर एक बॉक्स भी है, क्या लिखा आ रहा है इस पे, आई नीड अ क्रोबार। अब ये क्रोबार क्या होता है, मैंने तो मैंगो बार चोकोबार सुना है, ये क्रोबार कोई कुल्फी का नाम है क्या? हाँ शायद हो सकता है, चाइना वाले खाते होंगे इसे। छोड़ो इन फालतू चीजों को, हम गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। ये क्या टनल है क्या, शायद से टनल लग रहा है। अबे ये कहाँ पहुंच गया मैं, वैसे ये क्या है, ग्लास फ्यूज, ये किस काम आता है। देखो गाइज मैं सच बताऊँ तो मैं ये गेम पहली बार खेल रहा हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है। ठीक है छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे कोई काम की चीज होगी, इसलिए मैंने उसे वहीं फेंक दिया। अब कुछ काम की चीजें ढूंढते हैं। अबे एक मिनट, मुझे फुटप्रिंट की आवाज आ रही है, लगता है कोई आ रहा है, शायद से ग्रैनी ही होगी। पर इसको कैसे पता चल गया कि मैं यहीं पर हूँ। ये लो चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। अबे लगता है इसने मुझे देख लिया, भागना पड़ेगा यहाँ से। अबे ये तो मेरे पीछे थी, यहाँ कहाँ से आ गई। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई कितना भयंकर डंडा मारा इसने, एक ही डंडे में मेरा काम तमाम कर दिया। ग्रैनी इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। अबे ये क्या, डे 2, इसका मतलब गेम ओवर नहीं हुई। और ये तो वही कमरा है जहाँ हमारी गेम स्टार्ट हुई थी। अच्छा अच्छा समझ गया, इसका मतलब हम एक बार मरेंगे तो डे 1 होगा। चलो गाइस कोई ना, हम एक और बार ट्राई करते हैं, और इस बार हमें नीचे नहीं जाना, हम ऊपर जाके देखते हैं और ग्रैनी का घर एक्सप्लोर करते हैं। अबे ये क्या यार, ग्रैंडपा आ रहा है। भाई ये मुझे ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, तो मैं कैसे एस्केप करूँ इसके घर से। फिलहाल मुझे यहाँ छुपना पड़ेगा जब तक के वो ग्रैंडपा वापस ऊपर ना चला जाए। 5 minutes later। चलो गाइस फाइनली ग्रैंडपा तो जा रहा है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा को ना कम सुनाई देता है। साला इसको सुनाई तो देता नहीं है और आया बड़ा मुझे मारने। तू जा बेटा घर में झाड़ू पोछा लगा, वरना ग्रैनी तुझे मारेगी। अबे भाई ये क्या बात हुई, मार दिया इसने और ऊपर से बोलता है आई सी यू। अच्छा इसका मतलब ये साला अच्छे से सुन नहीं पाता है पर देख जरूर पाता है। कोई ना गाइस, चलो अब हम गेम पे ध्यान देते हैं। और यहाँ तो ग्रैनी और ग्रैंडपा दिख नहीं रहे हैं, तो यही सही मौका है, मैं सभी जगह चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई काम की चीज मिल जाए। इस अलमारी में क्या है, नहीं कुछ नहीं है, अब मैं इस रूम में चेक कर लेता हूँ। वैसे यार ग्रैनी का घर तो बहुत बड़ा है, कितने सारे दरवाजे है, कितने सारे कमरे है, पक्का ग्रैनी बहुत रईस खानदान से होगी, फिर भी यार ऐसी बचकानी हरकत करती रहती है। अबे ये क्या है, यू कैन नाउ कंट्रोल अ हेलीकॉप्टर। और गाइज ये ऊपर हेलीकॉप्टर का सिंबल भी आ गया है, पर हेलीकॉप्टर है कहाँ। अबे एक सेकंड, ये क्या, ये तो ग्रैंडपा है, सो रहा है घोड़े बेच के। और लो ग्रैनी भी सामने ही मिल गई, अब इससे बचकर मुझे भागना पड़ेगा। और गाइस जब तक ग्रैनी मेरे पीछे आती है तब तक मैं थर्ड फ्लोर पे चला जाता हूँ। साला कितने फ्लोर है इस घर में, लगता है ये ग्रैनी का किचन है। कोई ना, इस अलमारी में क्या है, कुछ नहीं है। ये लो गाइस हमें ओवन में से गन मिल चुकी है, पर गजब है गाइस ओवन में गन कौन रखता है। वैसे हमें अब ग्रैनी का कोई डर नहीं है क्योंकि हमें गन मिल चुकी है। चल ग्रैनी आजा बताता हूँ तुझे। अभी ये तो सच में आ गई, हाँ बड़ी आई मेरे से पंगा लेने वाली। क्या हुआ ग्रैनी, निकल गई ना सारी हवा। अबे ये क्या, ग्रैनी इज नाउ गोन फॉर अबाउट 2 minutes। यार मुझे लगा कि ग्रैनी का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया, पर नहीं,
वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बेहोश हुई है। यार ये गेम तो सोचा था उससे ज्यादा ही हार्ड है, और अब ये डोर भी नहीं खुल रहा है और लिखा है आई नीड अ सिक्योरिटी की। अब ये सिक्योरिटी की कहाँ से ढूंढूं मैं? बस अब मुझे वो चाबी मिल जाए ताकि मैं उस दरवाजे को खोल सकूं। चाबी तो नहीं पर मुझे ये बुढ़ा मिल गया, ये ले आ गया स्वाद, बहुत बोल रहा था ना ICU। पर एक सेकंड, इसने गले में क्या पहन के रखा है? सिक्योरिटी की। अच्छा, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली, क्योंकि ये बुढ़ा अपने गले में लटका के घूम रहा था। चलो ये दरवाजा तो खुल चुका है और इस चाबी को मैं यहीं फेंक देता हूँ क्योंकि ये हमारे अब किसी काम की नहीं है, और मैं फटाफट जाके वो गन ले लेता हूँ क्योंकि अगर ग्रैनी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे गाइस अभी 2 मिनट चुकी है, ग्रैनी कभी भी टपक सकती है। अबे ये क्या, इसमें से तो कुछ नहीं मिला, बस बुक बाहर निकली। अरे लगता है ये कोई सीक्रेट दरवाजा है जो हमने गलती से ओपन कर दिया है, और इसके अंदर तो एक गन भी है। आई नीड अ वेपन की। अबे यार ये क्या, अब इसके लिए भी मुझे की चाहिए होगी। वैसे गाइस ये वेपन की मैंने कहीं देखी थी, याद नहीं आ रहा कहाँ देखी थी, शायद वो ऊपर के कमरे में ही है। अरे ग्रैनी तू फिर से आ गई, चल कोई ना फिर से सो जा, अच्छी बच्ची है ना तू, सो जा और ला मुझे मेरी एमओ दे दे। वैसे गाइस वो वेपन की मैंने यही कहीं देखी थी, मिल जा। ये लो मिल गई, अब इस गन को यहीं पे छोड़ देते हैं और इस वेपन की को लेके हम जल्दी से वो शॉटगन लेने चलते हैं। ओके ये रहा वो सीक्रेट रूम, और फाइनली हमने अनलॉक कर ली है वो शॉटगन को। अरे वाह सही है, हमें गन के साथ एमओ भी मिल चुकी है, और वो भी दो। अब ग्रैनी ग्रैंडपा तुम मेरे हाथ मत लगियो वरना कलेश हो जाएगा। वैसे गाइस 6 मिनट हो चुकी है पर मुझे अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। अब ये क्या है, समथिंग इज मिसिंग हियर। हाँ मुझे लगता है यहाँ पर हमें कुछ लगाना है तभी ये दरवाजा खुलेगा, और इस दरवाजे के पीछे हो सकता है हमारा हेलीकॉप्टर हो। वैसे ये दिखने में फोटो फ्रेम जैसा लग रहा है, मतलब हमें यहाँ पर कोई फोटो लगाना होगा। तो चलो जल्दी से फोटोज ढूंढते हैं और जल्दी से हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं। वैसे ये टेबल पे क्या पड़ा है, अ पीस ऑफ पिक्चर, सही है। तो अब गन को फेंक दिया है और इस पिक्चर को जल्दी से वहाँ जाके लगा देते हैं। चलो एक फोटो तो हमने लगा दी है, और ऐसे 2 और फोटोज हमें लगाने हैं तभी ये दरवाजा खुलेगा। देख ग्रैंडपा अभी मैं हेलीकॉप्टर तक पहुंचने ही वाला हूँ, हाँ तो अभी मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना। ओके तो दूसरी पिक्चर मिल चुकी है हमें और उसे लगा भी दिया, और फाइनली तीसरी भी मिल चुकी है हमें और इसे भी लगा दी। तो चलो अब देखते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, शायद हमारा हेलीकॉप्टर होगा। नहीं हेलीकॉप्टर तो नहीं है यार, पर ये क्या है, कैंडी निकल रही है क्या? हो सकता है कि इस दरवाजे के पीछे हो। नहीं यार ये दरवाज़ा भी लॉक है। वैसे ये कैंडी नहीं शॉटगन की एमओ है, तो चलो यार हमारी शॉटगन लोड कर लेते हैं। A few moments later. गाइस मैं यूं ही घर में घूम रहा था तभी मुझे ये अजीब सा प्राणी मिल गया। अबे अबे ये क्या, मुझे काटने आ रहा था। ये कैसे कैसे अजीब प्राणी ग्रैनी ने अपने घर में पाल रखे है। ए नुबड़े, बेटा है वो मेरा। गाइज यार सच बताऊँ तो अब मैंने हार मान ली है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से यही गेम खेले ही जा रहा हूँ पर हर बार मैं एस्केप होने में नाकाम ही हो रहा हूँ। और यार मुझे भी पता है कि ये वीडियो मैंने जितना सोचा था उतना अच्छा बन नहीं पाया है, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है, और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था, और आपको तो पता ही है कि मुझे एनिमेशन वीडियोस भी बनाने होते हैं। पर अब मैं आगे से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे गेम प्ले वीडियोस दे सकूं। तो फिलहाल हम इस गेम को यहीं एंड करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि अब हम अगली गेम कौन सी खेलें।